Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दस करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। छह सितंबर मादरे वतन पर जान वारने के अज़्म का अयादा करने का दिन। यौमे दिफा पर लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में शानदार तकरीब। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में भी यौमे दिफा पर तकरीब। जवानों ने दहशतगर्दों से निमटने की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। कोयटा में अस्करी मेले में हथियारों की नुमाइश। लोक मौसीकी ने दिल जीत लिया। मजार कायद पर पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। मजार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दील। रेंजर्स के दस्ते ने ड्यूटी संभाल ली। साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ की लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मजार पर हाजिरी। स्वाबी में कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर और गजर में लालक जान शहीद निशान हैदर के मजारों पर भी सलामी दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आज का पाकिस्तान पहले से कई ज्यादा मजबूत है। कायदे आजम के सुनहरी असूलों पर अमल से ही दुश्मनों को शिकस्त दी जा सकती है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी तकरीब। आज का पाकिस्तान हर महाज पर साबित कदम है और तरक्की कर रहा है। खत्ते में होने वाली तब्दीलियों और चैलेंजेस से बाखबर रहने की जरूरत है। खतरात से निपटने के लिए हरदम तैयार और चौकस हैं। नेवल चीफ एडमिरल जकाउल्ला का खुसूसी पैगाम। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों की तीन रोजा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलीह अलोदी की वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ भी शरीक। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कल इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। पुलिस पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों के तीन ग्रोहों को पकड़ लिया। रात भी बड़ी कामयाबी मिली। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। रात दहशतगर्द तंजीम अंसार उल शरिया का सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी पकड़ा गया था। मफरूर दहशतगर्द अब्दुल करीम सरोज का करीबी साथी भी गिरफ्तार हो चुका। शरीफ खानदान का मुस्तकबिल क्या होगा? कौन कौन से रेफरेंसेस दायर किए जा सकते हैं? नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सदर मुल्तान बार शेर जमान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। मुलजिम अदालत में पेश। आप लाहौर हाई कोर्ट पेश क्यों नहीं हुए? वजीर आजम अदालतों में पेश हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? चीफ जस्टिस साकिब निसार का इस्तफसार। कहा यह वाकया इंतहाई तकलीफ दे है। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन नैब बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर बरहम। साबिक वजीर बराए खुराक असफर यार काकड़ की दरखास्त से जमानत की समाप्त के दौरान नई मंगी की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। नई मंगी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, आज हीरो बन गया है। नैब हुकाम भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना डीजी नैब बलूचिस्तान को शरीक मुलजिम बनाया जाए? जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। पीआईए के बाद अज हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवाज 384 हुज्जाज इकराम को लेकर कराची आ गई। गवर्नर सिंह भी इसी परवाज से वापस आए। टेलीफोन पर बात में कहा, रखाइन में तमाम अफराद को तहफ़ुज़ दिया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम से मुतालिक खबरें गलत हैं। हाइड्रोजन बम का तजुर्बा अमरीका के लिए तोहफा था। दबाव डाला तो मजीद तोहफे देंगे। शुमाली कोरिया के सफीर की जनेवा में तंजिया गुफ्तगू। रूसी सदर कहते हैं शुमाली कोरिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं होगा। शुमाली कोरिया के आवाम घास खाकर गुजारा कर लेंगे मगर एटमी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। तो
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शगुफ्ता अंदाज। ट्रंप से मुतालिक सवाल पर कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप का शौहर नहीं, ना ही वो मेरी बीवी है। невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью.